नमस्कार दोस्तों, इंफोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है बनिहाल काजीगुंड रोड टनल को लेकर, जहां पर इस टनल के कंस्ट्रक्शन में लगी बहुत सारी कंपनीज में से एक कंपनी ने अनाउंस कर दिया है कि अब ये टनल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है एंड इसी मंथ के एंड तक इस टनल को ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया जाने वाला है। बेसिकली दोस्तों नॉर्थ कश्मीर एंड साउथ कश्मीर के बीच में फुल ईयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाने के लिए हमारी गवर्नमेंट की तरफ से 2011 में इस टनल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया था। जब से लेकर अब तक इसका कंस्ट्रक्शन किया ही जा रहा है एंड ये टनल 8.5 किलोमीटर लंबी एक डबल ट्यूब टनल थी, जिसमें से एक लेन आने के लिए एंड एक लेन व्हीकल्स के जाने के लिए थी एंड ये टनल जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का एक पार्ट थी। एंड नाउ नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, जो कि इस टनल के कंस्ट्रक्शन में लगी हुई एक कंपनी है, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि इसी मंथ के एंड तक इस टनल को ओपन कर दिया जाने वाला है एंड करंटली इस टनल में रिक्वायर इक्विपमेंट्स जैसे कि वेंटिलेशन एंड इलेक्ट्रिक सिस्टम, इस तरह के जो रिक्वायर इक्विपमेंट्स हैं उनकी टेस्टिंग एंड कमीशनिंग चल रही है। एंड आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस टनल में 126 जेट फैंस, 234 सीसीटीवीज एंड फायर फाइटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं। एंड नाउ अब इसके ओपन हो जाने के बाद नॉर्थ कश्मीर एंड साउथ कश्मीर के बीच में फुल ईयर कनेक्टिविटी मिल पाएगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है केवड़िया गुजरात से, जहां पर खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट केवड़िया को एक ईवी बेस्ड सिटी या फिर ईवी सिटी में ट्रांसफॉर्म करने वाली है एंड इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो प्लान है उसको करंटली प्रिपेयर किया जा रहा है। बेसिकली दोस्तों लास्ट ईयर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक डेवलपमेंट और सोलर सिटी प्रोग्राम नाम का एक स्कीम या फिर प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसके अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि वो हर एक स्टेट में एक ईवी सिटी या फिर सोलर सिटी को डेवलप करेंगे। एंड इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे देश की सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को ये कहा था कि वो उनकी स्टेट में एक एक सिटी को सिलेक्ट करें जिनको ईवी सिटी में ट्रांसफॉर्म किया जा सके। एंड इस सिटी को जो सिलेक्ट किया जाने वाला था वो इस बेसिस पर सिलेक्ट किया जाने वाला था कि उन सिटीज़ में जो इलेक्ट्रिसिटी नीड है उसको फुली सोलर रूफटॉप पावर के द्वारा कंप्लीट किया जा सके। एंड दोस्तों इसी के अंतर्गत हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हमारे देश में टोटल 60 सिटीज़ की एक नेशनल लिस्ट बनाई गई थी, जिसमें केवड़िया का भी नाम शामिल था। एंड जैसा कि आप जानती हैं कि अब केवड़िया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के कारण अब एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बनती जा रही है, तो ऐसे में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो इसको एक ईवी सिटी में ट्रांसफॉर्म करेंगे। एंड इस पर्पज़ के लिए इस सिटी को ईवी सिटी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए यहाँ पर जो नेसेसरी रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी क्रिएट किया जाएगा, ताकि आने वाले फ्यूचर में केवड़िया सिटी में ओनली बैटरी बेस्ड बसेस, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स रन कर सके। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए सेटअप किए जाने वाले डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को लेकर, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SIDBI ने सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर इस बैंक को सेटअप करने के लिए या फिर फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने के लिए रिक्वेस्ट पर प्रपोजल फ्लोट कर दिया है। बेसिकली दोस्तों इसी साल फरवरी में यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अनाउंस किया गया था कि वो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग के लिए एक 20,000 करोड़ रुपीज़ का डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सेटअप करेंगे। एंड इसके लिए उनकी तरफ से नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल 2021 प्रिपेयर किया गया था। एंड नाउ गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अब इस पर काम स्टार्ट कर देना चाहिए, जिसके अंतर्गत ये जो बैंक होने वाला है या फिर डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होने वाला है इसको इनिशियली 100% गवर्नमेंट ओनरशिप के साथ सेटअप किया जाएगा, इसको बाद में प्राइवेटाइज भी किया जाएगा। बेसिकली दोस्तों होता क्या है कि जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं एंड काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं, एंड वहीं जो हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो इतने लॉन्ग टर्म एंड इतनी हाई अमाउंट में लोन प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। आप सीधी तरह से कह सकते हैं कि इसको वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं। एंड ऑफकोर्स हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी इतना पैसा नहीं है कि वो अकेले अपने दम पर ही सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सके। एंड इसी चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए ये प्लान प्रिपेयर किया गया था एंड नाउ इस पर वर्क भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों देखते हैं कि आने वाले फ्यूचर में हमें इससे रिलेटेड क्या अपडेट्स देखने को मिलती हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है स्टेट ओन ऑयल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, जहां पर उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो गुजरात के वडोदरा में उनकी जो क्रूड ऑयल प्रोसेसिंग कैपेसिटी है उसको एक्सपेंड करने वाले हैं। एंड इसके लिए उन्होंने गुजरात गवर्नमेंट के साथ में एक MOU भी साइन कर लिया है। बेसिकली दोस्तों IOCL की गुजरात के वडोदरा के कोयलेरी में एक रिफाइनरी है, जहां पर इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया था कि वो इसको एक्सपेंड करने वाले हैं। एंड नाउ यहां पर इन्होंने काम भी स्टार्ट कर दिया है। एंड नाउ इस MOU के अकॉर्डिंग ये इस कोयले रिफाइनरी के अलावा वडोदरा के आसपास 6 पेट्रोकेमिकल प्लांट्स पर काम करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत IOCL गुजरात स्टेट के वडोदरा में 24,000 करोड़ रुपीज़ तक की मेजर इन्वेस्टमेंट करने वाला है। एंड अगर दोस्तों डिटेल में बात करें तो इसके अकॉर्डिंग की जो रिफाइनरी है वहां पर जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है उसको 4.3 मिलियन टन्स पर एनम तक इंक्रीज कर दिया जाएगा, जिसे इंक्रीज करके 18 मिलियन टन्स पर एनम तक कर दिया जाएगा। एंड वहीं जो उनकी करंट पॉलीप्रोपिलीन प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको भी इंक्रीज करके 5 लाख टन्स पर एनम तक कर दिया जाएगा। एंड इसके अलावा यहाँ पर कई सारे ल्यू प्लांट्स को भी सेटअप किया जाने वाला है। एंड दोस्तों इस रिफाइनरी प्लांट्स के अलावा वडोदरा के आसपास डूमड़ में कोयली अहमदनगर सोलापुर पाइपलाइन के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को भी क्रिएट किया जाएगा। एंड साथ ही साथ यहाँ पर एक टैंक ट्रक लोडिंग फैसिलिटी को भी सेटअप किया जाने वाला है। एंड इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन डिस्पेंसरी फैसिलिटी को भी सेटअप किया जाने वाला है। दोस्तों यहाँ पर हमें गुजरात स्टेट से काफ़ी बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है।
अगली 200 बजे निकल कर आ रही है गुड़गांव बेस्ड ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो की तरफ से, जहां पर अब उन्होंने ऑफिशियली ग्लोबल इनिशिएटिव EV100 को ज्वाइन कर लिया है। एंड यहां पर अब उन्होंने कमिटमेंट कर दी है कि 2030 तक वो उनके एंटायर डिलीवरी फ्लीट को इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्लीट में कन्वर्ट करने वाले हैं। बेसिकली दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं कि करंटली हमारे देश का, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड का ऑटोमोबाइल सेक्टर किस तरह शिफ्ट हो रहा है, जहां पर जो पेट्रोल या डीजल बेस्ड व्हीकल है उनको ईवी व्हीकल से रिप्लेस किया जा रहा है। पर करंटली लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे कि लिमिटेड बैटरी रेंज, चार्जिंग टाइम, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईअर कॉस्ट, इस तरह की प्रॉब्लम्स के कारण जो ईवी का अडॉप्शन रेट है वो काफ़ी कम है। एंड इसी को इंक्रीज करने के लिए क्लाइमेट ग्रुप की तरफ से एक ग्लोबल इनिशिएटिव EV100 लॉन्च किया गया था, जहां पर जो कंपनीज है वो कमिटमेंट करती हैं कि वो उनके इंटायर फ्लीट को ईवी फ्लीट में कन्वर्ट करने वाले हैं। एंड नाउ जोमेटो ने भी उनके कमिटमेंट करके इस EV100 इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लिया है। एंड करंटली दोस्तों, जोमेटो के अकॉर्डिंग हमारे देश की मेट्रो सिटीज जैसे कि दिल्ली, मुंबई एंड बेंगलोर, यहां पर वो उनके जो फूड्स हैं या फिर उनकी जो डिलीवरीज हैं उनको ईवी फ्लीट्स के जरिए ही करते हैं, जबकि स्मॉल सिटीज में अभी भी ट्रेडिशनल व्हीकल्स का यूज किया जाता है। एंड करंटली उनका जो पूरा एक्टिव फ्लीट है, वहां पर जो ईवी फ्लीट है उसका नंबर काफी कम है, क्योंकि उनका जो ईवी अडॉप्शन रेट है वो पूरी इंडस्ट्री की तरह ही काफी स्लो है। एंड जैसे जैसे हमारी ईवी इंडस्ट्री शिफ्ट होती जाएगी, वैसे वैसे जोमेटो भी उनके फ्लीट को ईवी में कन्वर्ट करता चले जाएगा, ऐसी स्टेटमेंट कंपनी की तरफ से निकल कर आ रही है। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश की साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI की तरफ से, जहां पर हमारे देश की स्मॉल कंपनीज एंड स्टार्टअप्स के ग्रोथ के लिए उन्होंने डिसाइड किया है कि हमारे देश में अक्रॉस दी कंट्री 12 न्यू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को सेटअप करने वाले हैं, जहां पर ये स्मॉल कंपनीज एंड स्टार्टअप्स के साथ मिलकर न्यू प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस को डेवलप करेंगे, जो कि हमारे देश में हेल्थ केयर, IoT एंड स्मार्ट एग्री इन एरियाज एंड सेक्टर्स रिलेटेड होने वाले हैं। बेसिकली दोस्तों, STPI को हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 1991 में सेटअप किया था, ताकि हमारे जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स हैं उनको बूस्ट किया जा सके। एंड इसकी जो जर्नी रही है वो काफ़ी सक्सेसफुल रही है, क्योंकि 1991 से लेकर अब तक हमारे देश में इनके 60 से ज़्यादा सेंटर्स इस्टेब्लिश हो चुके हैं। एंड वहीं करंटली जो हमारी IT इंडस्ट्री है वो हमारी नेशनल GDP में 8% का कंट्रीब्यूशन करती है। एंड इसी शेयर को इंक्रीज करने एंड हमारी IT इंडस्ट्री को और भी बड़ा बनाने एंड आल्सो हमारे देश की स्मॉल कंपनीज एंड स्टार्टअप्स के ग्रोथ के लिए STPI हमारे देश में इन 12 न्यू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को सेटअप करने वाली है, जो कि हमारे देश में बेंगलुरु, गांधीनगर, पटना, भुवनेश्वर, गंगटोक, ईटानगर, इस तरह की इंडियन सिटीज़ में कंस्ट्रक्ट किए जाने वाले हैं। तो सो यहाँ पर हमें इंडियन IT इंडस्ट्री से काफ़ी बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है इंडियन MSME इंडस्ट्री को लेकर, जहां पर हमारी इंडियन MSME इंडस्ट्री को कोविड पैंडमिक के बाद दोबारा से स्टैंड आउट करने के लिए, उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा $500 मिलियन का एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम अनाउंस कर दिया गया है। बेसिकली दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं कि हमारी इंडियन MSME इंडस्ट्री हमारी इंडियन GDP या फिर इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है, क्योंकि ये हमारी इंडियन GDP में 30% का कंट्रीब्यूशन करती है एंड वहीं हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स में 4% का कंट्रीब्यूशन करती है। एंड करंटली डाटा के अकॉर्डिंग हमारे देश में अराउंड 58 मिलियन MSMEs हैं, जिसमें से मोर देन 40% ऐसी MSME हैं जिनको फाइनेंस की प्रॉब्लम आती है। एंड कोविड पैंडमिक के बाद ये प्रॉब्लम और भी बढ़ गई है। एंड इसी चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए एंड हमारी इंडियन MSME इंडस्ट्री को दोबारा से पैरों पर खड़ा करने के लिए वर्ल्ड बैंक की तरफ से दोबारा $500 मिलियन का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम अनाउंस कर दिया गया है, जो कि इनका इंडिया में सेकंड सपोर्ट प्रोग्राम है, क्योंकि इससे पहले लास्ट ईयर जुलाई में भी इन्होंने इंडिया में MSME इंडस्ट्री के लिए $750 मिलियन का MSME इमरजेंसी सपोर्ट प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसमें हमारे देश की 5 मिलियन MSME ने इसका एक्सेस लिया था। एंड दोस्तों, अब इस प्रोग्राम के लॉन्च हो जाने के बाद लास्ट ईयर से लेकर अब तक वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडिया में MSME इंडस्ट्री के लिए $1.25 बिलियन की फाइनेंसिंग कर दी गई है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है वेस्ट बंगाल स्टेट से, जहां पर उनकी स्टेट में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को और भी इंक्रीज करने एंड वेस्ट बंगाल स्टेट को एक सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनाने के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से उनकी स्टेट में एक न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अनाउंस कर दी गई है। दोस्तों, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का टारगेट है कि वो उनकी स्टेट में इस पॉलिसी के टाइम पीरियड के दौरान 1 मिलियन EVs को इंट्रोड्यूस करेंगे एंड वहीं इस टाइम फ्रेम के दौरान वो उनकी स्टेट में 1 लाख चार्जिंग स्टेशन को भी सेटअप करेंगे। एंड आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पॉलिसी का जो टाइम फ्रेम है वो 5 ईयर्स का रखा गया है। बेसिकली ये जो पॉलिसी है ये वेस्ट बंगाल के पावर डिपार्टमेंट के द्वारा अनाउंस की गई है, जिसमें इन सभी टारगेट्स के अलावा जो मेन टारगेट रखा गया है वो वेस्ट बंगाल स्टेट को भारत सरकार की फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम यानी कि फेम टू स्कीम के 2022 में एंड होने तक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पेनिट्रेशन में वेस्ट बंगाल स्टेट को टॉप 3 स्टेट्स में लाना है। एंड दोस्तों, इसी ईवी पॉलिसी के अकॉर्डिंग वेस्ट बंगाल स्टेट में ईवी एक्सीलरेटर सेल, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग पॉइंट इंस्टॉलेशन, चार्जिंग थ्रू डिस्कॉम्स, एनर्जी सेल, हाइड्रोजन जनरेशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सिटीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सभी मेन एरियाज एंड सेगमेंट्स में वर्क किया जाने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें फिर से वेस्ट बंगाल स्टेट से काफ़ी अच्छी अपडेट देखने को मिल रही है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तस्वीर अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।